फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो देखिए, आज हमने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी प्याज का अचार बनाया, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा इजी है और खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। इसमें बस हमें कुछ बेसिक मसाले चाहिए, जो कि हमारे घर पर ईजिली अवेलेबल रहता है। आप इसे फटाफट बना सकते हैं और महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि न्यू वीडियो लेके आऊँगी आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें हमें क्या क्या मसाले चाहिए। तो यहाँ पे हमने जीरा ले लिया, अजवाइन, सरसों, मेथी के दाने, गोल मिर्च लिया है, सौंफ और थोड़ा सा हमने कसूरी मेथी लिया है, लहसुन है, लहसुन की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखना है। हमने 5 से इसे प्याज को कट किया है, ग्रीन चिली ले लिया है, रेड चिली ले लिया है। आप फ्रेंड्स यहाँ पे चिली पाउडर भी ले सकते हैं 1 चम्मच के करीब, अगर आप खाना पसंद करते हो तो। देखिए, हमें बस कुछ बेसिक मसाले लेना है। अब हम एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे, उसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। जब तेल अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा, फिर इसमें हमने जो जीरा अजवाइन जो लिया था उससे सब डाल देंगे और अच्छे से इसे भुनेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम ग्रीन चिली डालेंगे। आप यहाँ पे क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, हम जैसे स्पाइसी खाते वैसे हमने यहाँ पे क्वांटिटी रखा है। अब इसे सुनहरा होने तक अच्छे से भुनेंगे। अब फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे लहसुन को खड़ा ही डालना है, इसे दरदरा कूट कर नहीं डालना है, जिससे कि अचार में बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्टी फ्लेवर आता है ये लहसुन का। अब ऐसे खड़े लहसुन डालते हैं तो अचार का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। देखिए, इसे में स्लो फ्लेम पे अच्छे से भुनना है। देखिए, हम इसे स्लो फ्लेम पे अच्छे तरीके से भुनेंगे, जिससे कि ये मसाले जो हम भून रहे हैं तो अचार में बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें हम 1 चम्मच के करीब हल्दी डाल देंगे। थोड़ा सा कुटा हुआ गोल मिर्च डालेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें गोल मिर्च को दरदरा कूट कर डालना है। आप इजली इसे घर में अच्छे से कूट सकते हैं। अब जो हमने अनियन को चॉप करके रखा था उसे डाल देंगे। और फ्रेंड्स, हमें गैस को फ्लेम को स्लो रख के ये सारा प्रोसेस करना है, जिससे कि हमारे मसाले जलेंगे नहीं और ये मतलब बहुत ही अच्छे। अगर आप कोई भी कुकिंग करते हैं उसको स्लो फ्लेम पे करते हैं तो ज़्यादा अच्छा कुक होता है। इसलिए हमें प्याज को अच्छे से सुनहरा होने तक भुनना है, जिससे कि बिल्कुल भी प्याज जल नहीं। अगर प्याज जल जाता है तो ये अचार का टेस्ट जैसा हमें चाहिए वैसा नहीं आएगा। देखिए, अब इसे हम ढक के पका लेंगे, अच्छे से स्लो फ्लेम पर इसे ढक के पका लेना है। थोड़ा सॉफ्ट होने तक हमें प्याज, जब तक 2 से 3 मिनट तक सॉफ्ट होने तक ढक के पका लेना है हमें प्याज को। अब देखिए, इसमें हम 1/2 चम्मच के करीब धनिया और जीरा का पाउडर डालेंगे। इसमें हमने धनिया जीरा को रोस्ट कर लिया था, फिर उसे पीस लिया था, फिर डालेंगे।
अब एक चम्मच आमचूर पाउडर डाल देंगे, जिससे कि हमारे अचार में थोड़ा खट्टेपन का फ्लेवर आएगा। आप यहाँ पे आमचूर पाउडर और आधा चम्मच के करीब लेमन जूस भी डाल सकते हैं। या फिर अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो सिर्फ लेमन जूस डाल के ये वाली रेसिपी बना सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे फुल एक चम्मच टमाटर पाउडर डाला। अब फ्रेंड्स अगर आपके पास टमाटर पाउडर नहीं है, टोमेटो पाउडर, तो आप यहाँ पे बारीक चॉप करके टमाटर को डाल सकते हैं। दो टमाटर डाल सकते हैं इससे बारीक चॉप करके। जब हमने ग्रीन चिली रेड चिली को पकाया था उसी टाइम इसे आप डाल सकते हैं और थोड़े से सॉफ्ट होने तक उसके बाद हम प्याज को डाल देंगे। अब देखिए टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। इसे ढककर स्लो फ्लेम पर अच्छे से पकाएंगे, जिससे कि मसाले प्याज सारे अच्छे तरीके से पक जाएंगे, जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा इसमें अच्छा टेस्ट आएगा स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। फ्रेंड्स मुझे थोड़ी नमक की क्वांटिटी कम लग रही थी, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा और नमक ऐड कर दिया, क्योंकि अचार में थोड़ा ज़्यादा नमक जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सेंधा नमक डाला है। अगर आप सेंधा नमक में वाली अचार बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा मतलब वो आता है। नॉर्मल नमक के अकॉर्डिंग सेंधा नमक का अगर अचार में डालते हैं तो उसको ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। देखिए अब हमारा अचार बनके तैयार हो गया। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। देख सकते हैं हमने बहुत ही अच्छे तरीके से प्याज को सारे मसालों को पका लिया है। फ्रेंड्स अगर आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा एक चम्मच करीब इसी अभी इसी स्टेज में लेमन जूस डाल सकते हैं, जिससे कि मतलब लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही फटाफट बन जाने वाला प्याज का अचार बन के तैयार है, जिसे आप स्टोर करके एक महीने तक रख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, जो कि एक महीने तक चलेगा, क्योंकि हमने इसमें और बाकी और कुछ नहीं डाला है, जिससे कि और लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर हो जाए। अगर जितने हमने बेसिक मसाले बताए उतना डाल कर आप इसे एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद